students of class 4, this is English grammar class, and first chapter is the sentence. You have already know about sentence, but right definition here written sentence. A sentence is a group of words that makes a complete sense. Example, the sun rises in the east. A sentence group of words होता है, words का एक समूह होता है जिसमें एक sense होता है, complete sense, पूर्ण उसका मतलब होता है, उसे कहते हैं sentence. उसमें एक subject होता है और predicate होता है, दो parts से मिलकर बना होता है sentence. Subject का definition यहाँ पे दिया हुआ है. Subject is the person or the thing we are talking about. जिस person के बारे में, जिस जगह के बारे में या thing के बारे में हम बात करते हैं उसे कहते हैं subject. और जो बच गया, जिस जो कहा जाता है उस सब्जेक्ट के बारे में, उसको प्रेडिकेट कहा जाता है. एनी थिंग स्पोकन अबाउट दैट पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए प्रेडिकेट. उस पर्सन के बारे में जो चीज़ें कही जाती है उसको प्रेडिकेट कहा जाता है. जैसे यहाँ पे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो द सन हो गया आपका सब्जेक्ट और राइजेज इन द ईस्ट हो गया और प्रेडिकेट. इस तरह से सेंटेंस का पहले आपको पूरा डेफिनेशन मालूम होना चाहिए और सेंटेंस बनाना आना चाहिए. और सेंटेंस कभी भी एंड होता है, कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है सेंटेंस की और एंड होता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, एंड होता है. अब यहाँ पे कुछ आपको एक्सरसाइज दिए गए हैं, आप कैसे पहचानोगे कि ये सब्जेक्ट है, तो आप हु या व्हाट पूछोगे. हु कौन दौड़ा, जैसे डॉग रन, तो कौन दौड़ा, तो आप पूछोगे हु, तो हु का जवाब मिलेगा आपको द डॉग, तो द डॉग जो है वो आपका पर्सन हो जाएगा. तो इस तरह से आप सब्जेक्ट पहचान सकते हो. बाकी जो बचा हुआ है वो रिमेनिंग पार्ट, वो हो जाता है आपका प्रेडिकेट. यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं जिसको आप लोग बुक में फिलअप कर लोगे. तो यहाँ पे जैसे है सेंटेंस को सही ऑर्डर में करना है. नैनाज दिस स्कूल इज, तो इसको ठीक से कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज नैनाज स्कूल. इसी तरह यहाँ आप बनाओगे हर स्कूल इज ब्यूटीफुल. थर्ड में नैना इज इन द स्कूल, देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन द स्कूल, चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, नैना लाइक्स टू प्ले विद देम, नैना रिटर्न्स होम ऑन हर बाइसिकल. यहाँ पे कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसमें प्रेडिकेट आपको अपने से भरना है. आप कुछ भी भर सकते हो अपने मन से, लेकिन सेंस कंप्लीट होना चाहिए. तो यहाँ पे कुछ भर के दिया गया है, आप अपना भी सेंटेंस यूज कर सकते हो. माई क्लासमेट प्लेज विथ मी, द डॉग इज बार्किंग, सीमा इज गोइंग टू स्कूल, द डॉग डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट, माई होमवर्क हैज फिनिश्ड, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश नाउ. इस तरह से एक चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, इसको बुक में कंप्लीट कर लोगे.